पेरिस ओलंपिक 2024 से भारत के लिए बुरी खबर है। रेसलर विनेश फोगाट को ओवरवेट के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश को फीमेल 50 केजी कैटेगरी में फाइनल खेलना था, लेकिन मैच से पहले लिए गए वजन में उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला, इसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब वे 50 केजी की कैटेगरी में विमेंस रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल सकेगी। उन्हें ओलंपिक में कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। फाइनल में विनेश का अमेरिका की सारा एन हिल्डब्रांड से मुकाबला होना था। गेम को लेकर अब ओलंपिक के नियम के बारे में जान लेते हैं। ओलंपिक में कुश्ती के खिलाड़ियों के वजन को लेकर जो नियम है, उसके हिसाब से पहलवानों का मैच से पहले वजन होता है, और अगर दो रेसलर दो दिन बाउट लड़ते हैं तो दो दिन तक उनका वजन किया जाता है। रूल के मुताबिक जिस दिन बाउट होता है उस दिन हर पहलवान का वजन सुबह होता है। हर वेट कैटेगरी में जो भी पहलवान फाइनल में पहुंचते हैं उनका दो दिन वजन होता है। पहले वेटिंग के दौरान पहलवानों के पास वेट बनाने के लिए 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। 30 मिनट में कई बार वजन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन वेटिंग सिर्फ 15 मिनट का होता है। अगर विनेश के केस को समझे तो विनेश का एक दिन में 100 ग्राम वजन बढ़ गया था, जिससे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW के नियमों के हिसाब से यदि कोई एथलीट वजन माप में भाग नहीं लेता या डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसे कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है और बिना रैंक के लास्ट नंबर पर रखा जाता है। ऐसे में अब उनके हाथ में सिल्वर मेडल भी नहीं आएगा। सूत्रों के मुताबिक विनेश और उनके कोच को इस बात का पहले से पता चल गया था, जिसके बाद वे पूरी रात नहीं सोई और वजन को कम करने की कोशिश करती रही, जिसमें जॉगिंग, स्कीपिंग और साइकिलिंग शामिल है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बाल नाखून तक काट दिए। बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना खून तक निकाला, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मांग की थी कि विनेश को थोड़ा समय दिया जाए, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने विनेश का हौसला बढ़ाने के लिए कहा कि विनेश आप चैंपियन है, आप भारत का गौरव और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने IOA प्रेसिडेंट PT उषा से भी बात की और विनेश फोगाट के मामले की पूरी जानकारी ली और इस मामले में भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराने की भी बात कही। ओलंपिक से जुड़ी और भी अपडेट के लिए नेशन मिरर के साथ जुड़े रहें।